क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है? क्या इस्लामाबाद में सेना की हुकूमत होगी? क्या पाकिस्तान में फिर सेना तंत्र चलेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनावी नतीजे आए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में सरकार का गठन नहीं हो पाया है। उधर चुनाव में जिस तरह धांधली हुई उसने पाकिस्तान को गृह युद्ध की तरफ जरूर धकेल दिया है। लोगों ने चुनाव में गड़बड़ झाले की सिर्फ तस्वीरें देखी होंगी। अब उन अधिकारी का कबूलनामा भी सामने आ रहा है जो इस गड़बड़ झाले का हिस्सा रहे। पाकिस्तान में रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने आम चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस धांधली में मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। उनके आरोपों पर आयोग ने कहा है कि वो इनकी जल्द जांच कराएगा। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर इमरान खान के समर्थकों ने जनादेश की चोरी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जगह जगह विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं। सड़कों पर उतरकर लोग सेना के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान में मार्शल लॉ का दावा इसलिए भी सही लग रहा है क्योंकि यहां फिर से 1971 वाला माहौल बन रहा है। इमरान खान के समर्थकों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बीच पंजाब पुलिस ने लाहौर में प्रदर्शन कर रहे पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की। पुलिस ने इमरान खान के वकील सलमान अकरम रजा और पीटीआई की कई महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जो जेल में बंद इमरान के आह्वान पर जेल रोड पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।